आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। देखिए, मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। यूपी के चुनावी दंगल में टीम बीजेपी के खिलाड़ियों के नाम का ऐलान आज सेलेक्टर्स ने कर दिया। कप्तान गोरखपुर के रिंग से विरोधियों को धूल चटाएंगे। समस्त पूर्वांचल में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐतिहासिक परचम लहराएगा। मुझे महाराज जी का ये अनाउंसमेंट इतना बल दे दिया है समस्त पूर्वांचल को, समस्त उत्तर प्रदेश को, जिसका मैं निशब्द हूँ। उधर विरोधियों की टीम अभी फाइनल भी नहीं हुई, लेकिन उनके कैप्टन भगवा टीम को लेकर भविष्यवाणी करने में कसर नहीं छोड़ रहे। प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रनआउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। मैं मकसूद खान धर्मनगरी अयोध्या से वंदे मातरम में आज दिखाऊंगा पहली बार दंगल में महाराज विरोधियों पर धोबी पछाड़। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेता बनाए हैं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। यूपी के युद्ध में भगवा बलवान, त्याग पर बबुआ कुर्बान। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है तब जाकर के जोड़ पाए, इसलिए त्याग करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी हटे। भारतीय जनता पार्टी का दोनों चक्का भाई पीछे छाने हवा निकाले थे, पीछे में वाला अभी उतर के स्टेपनी बदल रहे थे, ये सब तब तक हम दहिना चक्का भी हवा निकाल दिए। जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। पियरका ललका चच्चा करो तैयारी, भतीजे पर खाग चच्चा भारी। जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। अगले 40 मिनट में मैं मकसूद खान वंदे मातरम में यूपी के चुनावी दंगल से जुड़ी इन तमाम खबरों का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं अवध का बेटा मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही हैं, मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं रामनगरी अयोध्या से देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। हम कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज हम जी हिंदुस्तान पर ला रहे हैं और वंदे मातरम में मैं मकसूद खान इन तमाम खबरों का डिटेल एनालिसिस करूंगा। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं।
आज गोरखपुर से मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल, गाजीपुर से हैं अनुज श्रीवास्तव, लखनऊ से हैं प्रत्युष खरे और वाराणसी से हैं प्रिया सोमवंशी। मेरे तमाम सहयोगियों से बात होगी उत्तर प्रदेश के इस सियासी युद्ध की, लेकिन सबसे पहले देखिए वंदे मातरम में यूपी की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर। समाजवादियों का चक्रव्यूह, योगी पर लगाओ निशाना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। हारेगी बीजेपी, घर जाएंगे योगी, बाबा पर भड़के बबुआ। तो 100 है पूरे हमारे साथ, साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी सब। योगी का चैलेंज, साइकिल पंक्चर, सपा साफ। 10 मार्च 2022 को पता चलेगा कि यूपी विधानसभा चुनाव का असली विजेता कौन है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के चेहरे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी और एसपीआर पार लड़ने को मजबूर हो चुकी है। बीजेपी जहां पीएम मोदी, सीएम योगी के नाम पर विकास को अपना हथियार बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के बागी विधायकों और मंत्रियों को चुनाव में हथियार बनाकर योगी सरकार पर हमला कर रही है। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की, अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव एक खास रणनीति के तहत सीएम योगी पर हमला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वोटर्स में यह संदेश जाए कि सीएम योगी बीजेपी में हाशिए पर पहुंच चुके हैं, और इसलिए समाजवादी पार्टी ये साबित करने पर तुली है कि सीएम योगी को गोरखपुर तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सीएम योगी समाजवादियों के मुस्लिम प्रेम, माफियावाद, परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं, जो अखिलेश की दुखती रग है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। 80 बनाम 20 वाला योगी फॉर्मूला अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसको अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कैसे काउंटर करे, इसे लेकर बागियों का सहारा लिया गया है। बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश के इस मिशन में लगे हुए हैं और बीजेपी और योगी को हराने का दावा कर रहे हैं। जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे, उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सभी बीजेपी बागियों पर बीजेपी के हाई कमान ने खास रणनीति बनाई हुई है। बीजेपी से बगावत करने वाले बागी चाहते हैं कि बीजेपी उन पर तीखा हमला करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बागियों को कोई भाव नहीं दे रही। बीजेपी छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हालांकि अखिलेश यादव को लगता है कि योगी आदित्यनाथ सियासी क्रिकेट में हार चुके हैं, और इस सियासी क्रिकेट में योगी इसलिए हार रहे हैं क्योंकि योगी लगातार कैच छोड़ते जा रहे हैं। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर,
हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। अखिलेश यादव सीएम योगी पर जमकर तंज कस रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि अगर यूपी चुनाव का ब्रांड बने सीएम योगी की इमेज को कमजोर या लाचार साबित कर दिया जाए तो चुनाव में इसका असर पड़ेगा। लेकिन सीएम योगी भी अखिलेश के इस चक्रव्यूह को भांप चुके हैं। यूपी के युद्ध में सीएम योगी अखिलेश की तुलना रामायण के काल नेमी राक्षस से कर चुके हैं। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम कालनेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्मवेश में छुपे हुए कालनेमियों की पहचान भी जनता करती है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच इस वक्त वोट हासिल करने के लिए ब्रांड और डिमांड को लेकर जंग चल रही है। देखना होगा कि मतदान से पहले कौन अपना ब्रांड और डिमांड को जनता के बीच चमका पाता है। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, सवाल इसी को लेकर, अयोध्या को लेकर तो ये कहा जा रहा था, चूंकि मैं रामनगरी अयोध्या में इस वक्त मौजूद हूं, ये कहा जा रहा था कि बस अब ऐलान होना बाकी है, योगी यहीं से चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक से गोरखपुर को ही क्यों चुना? मकसूद, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज के लिए जानी जाती है। पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा था कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहा गया कि नहीं नहीं वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और अयोध्या को लेकर तो ये कहा गया कि बिल्कुल तय है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बस इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन एंड टाइम पर बीजेपी की जो आदत है सरप्राइज देने की, हुआ वही। ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इसके पीछे भी बीजेपी की एक रणनीति है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के दम पर बीजेपी ने गोरखपुर मंडल के 28 में से 23 सीटों पर भगवा लहराया था। ये तब की बात है जब योगी आदित्यनाथ सीएम के उम्मीदवार भी नहीं थे, लेकिन इस बार तो वो सूबे के सीएम है, और जिस इलाके से, जिस क्षेत्र से सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हो वहां पर बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि 28 की 28 सीटें वो अपनी झोली में डालने में कामयाब होगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी से बड़ा झटका लगा है। अखिलेश ने इमरान मसूद का टिकट काट दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, इमरान के साथ एमएलए मसूद अख्तर का भी टिकट कटा है। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस छोड़कर गए समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद को। इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ब्रांड युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर नाम लेकर निशाना साध रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनके गोरखपुर जाने को लेकर भी अखिलेश हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से परिवारवाद और माफियावाद को लेकर सीएम योगी सीधे अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर के नाम पर गदर, बीजेपी बनाम एसपी। जय जय श्री राम। अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, क्या है बीजेपी का चक्रव्यूह? गोरखपुर से लड़ेंगे योगी, अखिलेश को क्यों लगा झटका? यूपी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर जबरदस्त घमासान होगा। इतना तय हो चुका है कि बीजेपी जहां हिंदुत्व और विकास के नाम पर विरोधियों को चुनौती दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सीएम योगी के सहारे बीजेपी के किले को भेदने की कोशिश में लगी है। सीएम योगी चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर योगी से ज्यादा बेचैनी अखिलेश यादव में दिखी। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया, हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा।
अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल हो चुका है। खुद सीएम योगी ने बीजेपी के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर गोरखपुर सीट में ऐसा क्या है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष इस पर आंखें गड़ाए बैठा था। असल में गोरखपुर शुरू से ही योगी का गढ़ रहा है और अब सीएम योगी के गोरखपुर से लड़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि गोरखपुर समेत इलाके के सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। लेकिन बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाकर अखिलेश के अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि अखिलेश को लगता है कि 2022 में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का। अखिलेश बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अखिलेश बीजेपी के हिंदू कार्ड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या और मथुरा के नाम पर जहां बीजेपी अखिलेश को घेर रही है, फ्री बिजली को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हैं। और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे। 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? गोरखपुर सीट से योगी का लड़ना सीएम योगी के लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। अब अखिलेश यादव की बारी है कि वो चुनाव कहां से लड़ने का ऐलान करते हैं, क्योंकि बीजेपी भी इसी ताक में बैठी है कि अखिलेश कहां से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो अपने और पत्ते खोलेगी। और सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का। मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए। रोहित, बहुत सीधा सा सवाल है, सवाल इसको लेकर कि एक तरफ जहां ब्रांड पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, क्या वो टूट पाएगा इतनी आसानी से? और मकसूद इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, क्योंकि अखिलेश यादव का साफ कहना है कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 10 मार्च से पहले ही गोरखपुर की टिकट थमा दी है। सवाल यहां पर यह है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव ने तैयार किया है, क्या चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उसे गोरखपुर से तोड़ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बार के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का दांव खेलेगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी रामनगरी अयोध्या से जारी रहेगा वंदे मातरम। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान पर रामनगरी अयोध्या से जारी है अवार्ड विनिंग शो वंदे मातरम। मैं हूं अवध का बेटा मकसूद खान। वंदे मातरम में लगातार बात हो रही है यूपी के युद्ध की, उत्तर प्रदेश की सियासत की। बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान कर दिया गया और बीजेपी ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का ताना बना बुना है अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने में कि विरोधियों के छल में छेद हो गया है। अब यही वजह है कि अखिलेश यादव भी किस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, किस तरह से उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है, इसकी दुहाई देते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है।
और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। यूपी के रण में भगवा खेमे ने आज 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या किया, विरोधियों के छल में छेद हो गया। बीजेपी ने जिन 107 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की है उसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने पिछड़े और दलितों पर बड़ा दांव लगाया है। 44 पिछड़े, 19 अनुसूचित जाति जबकि 10 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने जनरल कोटे की सीट पर भी दलित उम्मीदवारों को ही मौका दिया है। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो अभी जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। बीजेपी के ऐलान के तुरंत बाद अखिलेश यादव कैमरे पर आए, त्याग बलिदान की बात करने लगे। कल तक माई फॉर्मूले को जीत का अचूक हथियार समझने वाले टीपू अब ये कहने लगे कि आखिर कैसे उन्होंने दिल पर पत्थर रख कर ऐसे लोगों को पार्टी का हिस्सा बना लिया जो कल तक उन्हें फूटी आंख न सुहाते थे। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। इसे त्याग करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। अरे अगर आपको त्याग बलिदान की इतनी परवाह होती तो भीम आर्मी को भी अपने गुलदस्ते का फूल बना लेते। बेचारे चंद्रशेखर आजाद कहते घूम रहे हैं कि पिछले एक महीने से वे लगातार आपके संपर्क में रहे, पिछले दो दिनों से पीठ में दर्द के बाद भी लखनऊ में इस उम्मीद से डटे रहे कि उन्हें भी इस बार आपके त्याग बलिदान का प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, आपने आजाद जी के साथ छल कर लिया, अब उस 20-22 फीसदी दलित वोट का क्या जिसे आप पॉकेट में रखने का दावा सामने वाले से कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है, हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी दो दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। दो सीटें पूरी दे दी गई थी, उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? अब चंद्रशेखर अखिलेश के मोह पाश से आजाद है, ऐसे में उन्हें एक बार फिर अपने पुराने साथी असदुद्दीन ओवैसी की याद आ गई। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर रविवार को AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और इस गठबंधन में बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी भी शामिल हो सकती है। और सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, मेरी सहयोगी प्रिया सिंह सोमवंशी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के इस टिकट फॉर्मूले में नजर आ रही है, विरोधी क्या इससे पार पा पाएंगे? बिल्कुल मकसूद, और देखिए इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव के त्याग बलिदान की चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज हवा निकाल दी, क्योंकि देखिए अटकलें ये थी कि चंद्रशेखर रावण साइकिल की सवारी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया। देखिए सियासी हलकों में खबर ये भी रही मकसूद, और इसलिए हम कह रहे हैं ना कि प्यारका चाचा ने भले ही सूत्रधार की भूमिका निभाई हो, दोनों को करीब लाए, दोनों को बातचीत भी करवाया और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच को लेकर मध्यस्थता कराने की भी खूब कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और देखिए प्यारका चाचा ये दावा करते रह गए कि गठबंधन में शामिल होने के लिए सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है, और अगर चंद्रशेखर आजाद पार्टी की हम बात करें तो देखिए उनकी पार्टी को 3 सीट और 1 MLC का पद देने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन साथ ही देखिए सीट शेयरिंग ही मेन ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर बात नहीं बनी और चंद्रशेखर रावण ने रास्ता अपना अलग कर लिया। साथ ही सरकार बनने पर देखिए MLC 3 सीटें, 1 MLC और इसके बाद सरकार अगर बनती तो मंत्री बनने का भी ऑफर दिया गया था, ये भी बातें सामने आई, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं
कि चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने दो सीटों का ऑफर दिया था। मकसूद और इसलिए हम कह रहे ना कि देखिए ये यूपी की जनता है, ये सब जानती है, और ऐसे में किसके दावे को सही माना जाए, किसके दावे को गलत माना जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। या तो पीएर का चाचा के दावे को सच माना जाए, या फिर भतीजे का जो दाव है जो अखिलेश यादव ने कहा उसको सच माना जाए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल मकसूद। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान आया है, लोनी में ना अली ना बाहुबली सिर्फ बजरंगबली। लोनी से बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर और अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली। तो बीजेपी के बागी नेताओं और चाचाओं के चक्रव्यूह से अखिलेश यादव भले ही गदगद हो, लेकिन कहीं चाचाओं का यही चक्कर अखिलेश को आने वाले वक्त में भारी न पड़ जाए। ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान। चचाओं के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव। पियर का, ललका और घाघ चचा एसपी के लिए रेड अलर्ट। समाजवादी पार्टी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चचा जान बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव, चाचा ओम प्रकाश राजभर और नए नए बीजेपी से बगावत करने वाले अखिलेश के चाचा बने स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुके हैं जिससे अखिलेश यादव शायद ही निकल पाए। जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव ने वोटों को समेटने के लिए जिस तरह से बागी चाचाओं को अपने दिल में बिठाया है, ये बागी चाचा चुनाव के वक्त अखिलेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही अभी समाजवादी पार्टी के चचा जान अखिलेश के लिए जीने मरने की कस्में खाएं, लेकिन ये पलटू और दल बदलू आखिरी मौके पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, भले ही अभी बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हों। गलत ना ना बोले थे आज छोटका ललका सणवा है। इनका योगी जी का ललका सांड किसानन का धन दुगुना करा था, किसान डंडा लेके खो जाता कि आवा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इस वक्त तीनों चाचाओं में होड़ मची है कि कौन अखिलेश का बेहद करीबी और वफादार है, इसलिए ये चचा जान ऐसे ऐसे बयान बीजेपी के खिलाफ और अखिलेश के समर्थन में दे रहे हैं जो किसी मुंगेरी लाल के सपने से कम नहीं है। बंगाल में खेला होबे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी पूरी तरीके से सफाया हो जाए। बस कितनी सीटों का आकलन देख रहे हैं आप? अब सीटों का अभी कोई सवाल नहीं है। नहीं, कितनी सीटें जीत कर आपका गठबंधन ये आने वाला है, क्या हम ये समझ रहे प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एक अकेला भतीजा अपने तीन चाचाओं से घिरा हुआ है। अभी तक एक ही चाचा शिवपाल यादव अखिलेश का सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब दो सियासी चाचाओं के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश को चचा जान से प्रेम भारी पड़ जाए। अब देखना होगा कि चुनाव में ये चचा जान अखिलेश के लिए क्या साबित होते हैं,
चक्रव्यूह या चमत्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे गाजीपुर का, मेरे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। अनुज, पहले तो पियरका और ललका चाचा के बीच अखिलेश फंसे हुए थे, अब तीसरे और चाचा आ गए, कहीं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना हो जाए। जी बिल्कुल मकसूद, और इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अखिलेश यादव उनकी हां में हां मिला रहे हैं, ऐसे में पुरनका ललका चाचा और नए कापियर का चाचा की मुसीबतें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये तीनों ही चाचा इसीलिए आए थे भतीजे के साथ कि सत्ता की मलाई खाई जा सके। लेकिन अगर सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और किसी एक को मलाई ज्यादा मिल जाएगी, तो दो चाचा जो हैं वो काम बिगाड़ने में पीछे नहीं रहेंगे। और इसीलिए एक कहावत है ना, अपना काम बढ़ता और भाड़ में जाए जनता। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगियों का जो वंदे मातरम में मेरे साथ जुड़े थे। वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी रामनगरी अयोध्या से जारी रहेगा वंदे मातरम। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।